जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरी पूछ रहे थे कि सर एसएसबी में हेड क्वेश्चन मिस्टर की जो 115 पोस्ट आई हुई है उनमें किस तरह से हम सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट है बच्चों के लिए। और वैकेंसी तो भाई एक नंबर है, वो मैं आपको पहले भी अपनी दो वीडियो में उसके माध्यम से आपको जानकारी दे चुका हूँ कि पोस्टों में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस इसमें कोई चक्कर नहीं है, मतलब जैसे एसएससी जीडी में होता है कि यार किस तरह से करें, बीएसएफ को ऊपर रखें, सीआईएसएफ को ऊपर रखें, इस तरह का कुछ नहीं है। सिंगल पोस्ट है, 115 पोस्ट हैं। आपको डिटेल से मैंने फिर बताना चाहता हूँ कि वीडियो बना दी है, उसको जितना प्यार दिया है। बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरी पूछ रहे थे कि क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें। तो और YouTube पे जिसको नहीं पता है, जिसको हेड कॉन्स्टेबल मिस्टर के बारे में ए भी नहीं पता है, हेड कॉन्स्टेबल का एच भी नहीं पता है, वो इस पे ज्ञान पेल रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ पॉइंटे हैं आपके सामने कि जो हम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आई थिंक सो कि आपको आज हेड कॉन्स्टेबल मिस्टर के बारे में ए टू जेड चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, कि जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज इस टॉपिक में, इसमें वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला है आपका। एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बेस्ट बुक फॉर एसएसबी एससी मिनिस्टर। जी हाँ, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की बेस्ट बुक्स आपको क्या परचेज करनी चाहिए, किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर तो एटलीस्ट नहीं है कहीं भी। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के लिए आपको बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एग्जाम डेट। जी हाँ, आपको एक्सपेक्टिव डेट ऑफ एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए कि भाई हमारा एग्जाम कब है, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि तभी तो आप तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। दूसरी, चौथे पॉइंट पे चलेंगे हम, एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे होने वाले हैं। जी हाँ, आपको एग्जाम सेंटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई आपके नियर बाई सेंटर कहाँ है, आपको किस तरह से भरना चाहिए, क्योंकि देखिए जब फॉर्म फिलअप किया था ना तो कोई भी सेंटर के बारे में कुछ नहीं मांगा था। एक और बात करेंगे, क्योंकि अभी जो हवा चल रहा है वो चल रहा है सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग को लेकर, क्योंकि हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर में निगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, एसएससी जीडी में तो है, तो इसमें पूछना चाह रहे थे बच्चे कि क्या निगेटिव मार्किंग होगी। तो वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा हमारा टाइपिंग डेट क्या होने वाली है, और टाइपिंग के रूल क्या होंगे, रूल ऑफ टाइपिंग और टाइपिंग डेट, ये सब जानने वाले हैं कि किस तरह से होगा। उसके बाद जो फाइनल, क्यों हम नौकरी करते हैं, हम करते हैं सैलरी के लिए। तो सैलरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो हम इस बारे में बात करने वाले हैं। और मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको कि अगर कोई बंदा 3-4 साल नौकरी जो कर लेता है उसकी सैलरी कितनी होने वाली है, और इन हैंड कितनी मिलेगी, और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो फाइनल हमारा रहेगा कि कट ऑफ, जी हाँ, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे। मैंने पुरानी वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल से बताया है, इस वीडियो में भी मैं डिटेल से बताऊंगा कि भाई इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस तरह से रहने वाली है। तो वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो भाई बंधु हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्जाम सिलेबस। जी हाँ, एग्जाम सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसका हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का, जी हाँ, एग्जाम क्या रहने वाला है। एसएसबी में जो आप देखने वाले हैं कि एचसीएम, जी हाँ, पोस्टों का आपको पता है कि टोटल 115 ये पोस्ट है यहाँ पे, और पोस्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, तो एग्जाम सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पहले क्या मिल जाएगा, ये मैथ मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा आपका, इंग्लिश ओब्लिक हिंदी, इनमें से आपको हिंदी में आपको करना है। तीसरा क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी आपकी। और चौथा क्या हो जाएगा आपको, ये हो गया आपका जीके। जीके ये आपको मेनली यहाँ पे मिलने वाला है। अब मैथ की बात करें तो मैथ में क्या है, देखिए मैथ में मैं पहले भी बता दिया, कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, सिलेबस में ही आ गया। लेकिन मैथ में देखिए बहुत हाई लेवल का आने वाला है। जब मैंने एग्जाम दिया था 2015 में, तो उस बार मेरे को मैथ में से, जबकि मैं मैथ पढ़ाता था, और मेरे को कितने नंबर का था, 2 से 4 नंबर का, 2 से 4 नंबर को मेरे को मैथ आता था। इतना हार्ड लेवल का मैथ आता है इसमें। तो आपको उसी तरह की प्रिपरेशन करनी है। और जो बोल रहे हैं ना, जो जिनने कभी एग्जाम नहीं दिया है, जो बैठे नहीं है हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के एग्जाम में, वो अपने ज्ञानबाजी पेल रहे हैं। तो और उनके व्यूज ज़्यादा है, व्यूज ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, बस बने बैठे हैं स्पेसिफिक और दे रहे हैं डोज, लेकिन उनको पता नहीं है हमने एग्जाम दिया है, हमें पता है कि किस तरह से क्या होता है। तो जो बात मैं बताऊंगा बिल्कुल सटीक बताऊंगा। तो आपको सिलेबस का इसमें बता देते कि मैथ आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, और आपका जीके आ जाएगा। क्या बेस्ट बुक रहने वाली है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन मैथ का मैं फिर बताना चाहूंगा कि मैथ भाई फाड़ू आता है इसमें, देखना पड़ेगा आपको सही से।
इंग्लिश के बारे में हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हिंदी के बारे में हम टॉपिक से बात करेंगे। आगे चलते हैं, बेस्ट बुक फॉर एसएसबी हेड कोस्टर मिशन के लिए क्या होने वाला है। तो बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक ये नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी तक देखिए हम भी लगे हैं तो हमने कोई स्पेसिफिक बुक तो पढ़ी नहीं है, या हमसे पहले भी जो पढ़े होंगे वो भी स्पेसिफिक बुक नहीं दिया होगा, या अभी तक जब है ही नहीं। सिंपल से इनका जो पैटर्न है जो मैंने पिछली बार में बताया, देखिए मैथ हो जाएगा, हिंदी रीजनिंग हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी और जीके हो जाएगा। ये आपको सिमिलर किस तरह का लग रहा है? ये एसएससी जीडी का पैटर्न है, सिलेबस पैटर्न है बिल्कुल एसएससी जीडी वाला। तो इसका मतलब ये है, और 10 एसएससी जीडी का वाला क्या होता है कि वो 10th से होता है, और ये किससे है? ये 12th से है, ये 12th से है और वो 10th से है। दोनों बच्चे बैठेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हाई स्कूल करने के बाद आपकी एज हो जाएगी। जो एसएससी जीडी में जाने वाले हैं वो भी, और जो हेड कोस्टर मिशन का पोस्ट देखने वाले हैं वो भी, दोनों बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो बुक्स में इधर उधर के चक्करों में ना पड़े। बस एक जो डिफरेंस आने वाला है वो आने वाला है मैथ की बुक। मैथ की बुक आपको थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो बुक्स आपको क्या क्या करना है, देखिए पहले नंबर पर अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपकी ये जो मैं गाइड बताने वाला हूँ वो आपके लिए, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी हो या आपका हेड कोस्टर मिस्टर हो, दोनों का पैटर्न सेम है। इनसे नहीं करना चाहते आपको कि यार हमें एक ही चाहिए और प्रैक्टिस सेट भी चाहिए। तो जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ गाइड आपको बेस्ट होने वाली है एसएससी जीडी के लिए भी और हेड कोस्टर मिनिस्टर के लिए भी बेस्ट गाइड है। इनको परचेज ना करके अगर उसको भी करते हैं तो वहाँ से भी कि आपका एक कवर हो एसएससी जीडी जाएगा। कीजिए, अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की गाइड है, संपूर्ण गाइड है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाइड की बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको तर्क शक्ति मिल जाएगी, जनरल नॉलेज मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, और एक सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगती है इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड है। आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको इस गाइड में मिलने वाली है इंग्लिश भी। और क्या है इसमें, देखिए दो पेपर सेट मिल जाएंगे 2019 के, और 2800 प्लस बहुविकल्पीय आपको प्रश्न मिलने वाली है, वो भी फुल डिस्क्राइब होंगे, आपको समझने में पढ़ने में आपको ईजी होगा। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से तो बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे स्लोगन भी है और बहुत अच्छे, कोई ऐसे फर्जी में नहीं डालेगा। एक बार ट्राई जरूर कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए जो क्वेश्चन है उनके लेवल सेम टू सेम होता है। जैसे एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करते हैं उनको बच्चों को पता होगा कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सेम टू सेम वही प्रश्न है। उसके बाद इन्होंने इसके उत्तर दिए हुए और डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से हो, इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड किया। बहुत अच्छी बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एटलीस्ट एक बार तो परचेज करके इसको पढ़ना चाहिए। देखिए उत्तर उत्तर व्याख्या इसमें डिस्क्राइब किया है, किस तरह से क्या होता है। बहुत अच्छी बुक है, आपको मस्ट है, ये आपको परचेज करनी ही चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चक्षु पब्लिकेशन के सोल्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर से अगर तैयारी करनी है तो ये तीन मोस्ट वैल्यूएबल बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट क्या होगी। जो थर्ड नंबर है आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि भाई आपकी डेट क्या होने वाली एग्जाम की। तो अभी की जो बात करें तो देखिए 2018 का जो अभी पेपर हुआ है उसकी अभी टाइपिंग चल रही है, और टाइपिंग के मैटर में और भी मैं बात बताने वाला हूँ। जो टाइपिंग का सेक्शन आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से टाइपिंग करना है, टाइपिंग की डेट क्या होने वाली है। तो एग्जाम की डेट क्या होने वाली है आपकी, देखिए फर्स्ट वीक या तो जनवरी में हो जाएगा, या फिर हो जाएगा आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी और फरवरी के महीने में आपका ये एग्जाम होने वाला है एसएससी हेड कोस्टर मिनिस्टर का। आपका जो एग्जाम है या तो जनवरी में फर्स्ट वीक में हो जाएगा, या आपका हो जाएगा जनवरी के लास्ट वीक में। अगर यहाँ पे कोरोना या कुछ दूसरी सिनेरियो बनती है तो वही नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हेड कोस्टर मिस्टर 2018 वाले का चल रहा है एग्जाम, टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग के बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। तो एग्जाम डेट की बात करें तो मैंने बता दिया जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में आपके चांस है होने के। अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर फरवरी मार्च में खिसक जाएगा। आगे बात करते हैं आपके कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे होना था चाहिए। देखिए एग्जाम सेंटर की दो तरह की बात करनी पड़ेगी हमें, एक तो होता है फिजिकल का होता है, एक होता है आपका टाइपिंग का, एक होता है आपका रिटन एग्जाम का। तो फिजिकल की बात करें तो देखिए फिजिकल जो होता है एसएसबी अपने ओन ग्राउंड पे ये सब कुछ कराती है। तो ग्राउंड कहाँ पे है आपके, ये हो जाएगा आरटीसी गोरखपुर जीकेपी, उसके बाद आपका हो जाएगा सपड़ी, हो जाएगा सीटीसी सपड़ी हो जाएगा, भोपाल भी हो सकता है। ये ओनली हम फिजिकल की बात करें, लेकिन जब हम करते हैं रिटिन एग्जाम की बात करते हैं तो रिटिन एग्जाम का कहाँ पे होगा, रिटिन एग्जाम का होगा देखिए लखनऊ में भी हो जाएगा, और ये सब
जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं या प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे कराता है, लेकिन कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराता है ओनली आपका SSB, तो लखनऊ में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, और उसके बाद आपका सपड़ी में होगा, भोपाल में होगा, यहाँ पे आपके ये होने वाला है। अगर हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में आपका कहाँ पे होगा? टाइपिंग ओनली होगी आपकी 25BN है, आपकी 25BN घिटोरनी। आपका दिल्ली में आपकी टाइपिंग होने वाली है। तो मैंने बता दिया फिजिकल कहाँ पे होगा, आपका सपड़ी, आपका गोरखपुर, भोपाल, और रिटर्न एग्जाम कहाँ पे होगा, लखनऊ, दिल्ली, सपड़ी, या अदरवाइज जो उसके SSB के नियर बाई आपके कॉलेजेस हो जाएंगे, जो नियर बाई आपका कॉलेज होगा SSB के अंडर में, वो आपका वहाँ पे होने वाला है। और टाइपिंग की बात करें तो आपका 25BN SSB घिटोरनी नई दिल्ली में आपकी टाइपिंग होने वाली है। आगे चलते हैं निगेटिव मार्किंग। बच्चों के दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है जब से SSC GD में निगेटिव मार्किंग आई है, उसके लिए मैं बता दूँ। देखिए निगेटिव, अगर BSF में बात करें, BSF SCM की बात करें, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। CRPF की बात करें, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। CISF की बात करें, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो और SSB में इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो मेरिट आपकी हमेशा ही हाई जाएगी। अब कितनी हाई जाएगी वो मेरिट वाले सेक्शन में बता दूंगा, लेकिन इस बार आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि आपकी निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, तो टेंशन फ्री हो जाइए। लेकिन आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अब बात करता हूँ टाइपिंग की डेट एंड टाइप रूल ऑफ टाइपिंग की हम बात करें तो टाइपिंग की डेट देखिए, जो एग्जाम होगा आपका ये आपका जनवरी में हो जाएगा या फिर होगा आपका फरवरी में। मतलब ये दो डेटें अभी तक तो जो निकल कर आ रही हैं वो ये दो डेटें आपकी आ रही हैं। टाइपिंग में कितना टाइम लग जाता है? टाइपिंग में 2 से 3 महीने लगा देती है SSB, जनरली इतना लग जाता है। तो आप मान के चलिए कोरोना वरोना नहीं आता तो अगस्त से आपका टाइपिंग होने के चांस है। अगस्त और सेप्टेम्बर में आपके ये टाइपिंग हो सकती है, तो टाइपिंग होगी। अब रूल की बात करें तो देखिए, कभी भी आप जब देखेंगे तो आपको ये टैप हमेशा पहला, क्योंकि आपको जब पैरा बनाते हैं तो वहाँ पे आपको टैप का यूज करना है। सबसे पहले पैरा बनाने के लिए टैप यूज करना है। सबसे पहले आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना। अभी जो रिसेंटली खबर आई है कि भाई बैक स्पेस चल रहा है। और हाँ, आपको जो ऑनलाइन टाइपिंग होगी, SSB का अपना ओन सेटअप है, अपना सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अभी रिसेंटली भी जैसे टाइपिंग चल रही 2018 वालों की, वो ऑनलाइन ही टाइपिंग चलिए उनके सॉफ्टवेयर पर। तो मैं तो यही कहूँगा कि बैक स्पेस निकाल कर रख दीजिएगा। आपको टैप का यूज करना है स्टार्टिंग में, पैरा बनाते टाइम कैप्स ऑन करना है, की अपनी देख लेनी कि भाई की यूजेबल है नहीं है, किस तरह से चल रही है नहीं चल रही, आपका सिस्टम ठीक है नहीं है। अपनी 5-6 मिनट अपना टाइपिंग पे हाथ रख के देख लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है नहीं। अगर कोई भी परेशानी है तो आप अपने जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई मेरी टाइपिंग तो ठीक नहीं हो रही है। तो ये था। 7वें नंबर पर चल रहे हैं कि भाई पे का हम बात करने वाले हैं। तो पे की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हम क्यों कर रहे हैं नौकरी? पे के लिए कर रहे हैं, और पे ही हमें नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो पे की बात तो भाई बिल्कुल जरूरी करना है। तो अगर हम बात करें पे में, तो पे सेक्शन की ये बिल्कुल लेटेस्ट आपको पे मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये कितना है, अगर जब आपकी 4-5 साल पे हो, मतलब हो जाएगी आपकी जॉब, उस बंदे की ये पे स्लिप मैंने उठाई है, उसके बाद मैं आपसे कंपेयर करूँगा कि आप अभी लग गए आपको कितना मिलेगा। इन हैंड भी बात करेंगे, ट्रेनिंग की बात करेंगे, सब कुछ इसमें डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए, ये बेसिक पे कितना है? 30,500, लेकिन आपका कितना हो जाएगा? 25,500। आपका 25,500 होगा, इसके हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये, क्योंकि इस बंदे की जो है 4-5 साल नौकरी हो गई है, तो उससे लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इसकी बंदे की पे कितनी है? 30,500। उसके बाद इनको कितना मिलता है? डीए कितना है इनका? 5,185। उसके बाद TPT कितनी है? 3600। TPT हमेशा होती है 1800 रुपये, लेकिन ये इस तरह की सिटी में रह रहे हैं कि उनको डबल TPT मिलती है। तो TPT कितनी होती है? 1800 होती है, लेकिन इनको 3600 मिली है, गुणा 2, मतलब इसका दुगना कर दिया है। उसके बाद DA on TPT कितना है इनका? 612। उसके बाद क्या है? HRA हाउस रेंट अलाउंस इनको कितना दिया है? 4880 रुपये। इनका डबल HRA है तो उनको 4880, और HRA हमेशा सिटी वाइज डिवाइड होता है XYZ की कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। और इनको क्या मिला है? राशन मनी। देखिए, राशन मनी हमेशा सभी को 3636 रुपये मिलती है। उसके बाद इनका क्या मिला है? ये मिला है हेयर कटिंग अलाउंस, HCA हेयर कटिंग अलाउंस कितना है? 4500 रुपये। सरकार बाल कटाने के लिए 4500 रुपये दे रही है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? इनको मिला है RA, ये RA कितना? 68 रुपये, मतलब रम अलाउंस, RA होता है रम अलाउंस, इनको कितना दिया है? 68 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ड्रेस अलाउंस कितना है? 10,000 रुपये। ड्रेस अलाउंस आपका 10,000 रुपये, ये इसलिए दिया जाता है कि हर साल आपको वर्दी के लिए
जुलाई में आपको सरकार 10,000 रुपये देती है वर्दी बनाने के लिए, और ये सब अगर हम जोड़ लें तो जोड़ के कितना आ जाता है हमारा, 54,535 रुपये। जी हाँ, इस सबको मिला के 54,935 रुपये बन जाता है। लेकिन इसमें फिर डिडक्शन होता है, एनपीएस कितना कट जाता है, एनपीएस होता है आपका बेसिक और डीए का आपका कितना 10%, तो 3,559 रुपये ये हो गया आपका। उसके बाद सीजीएस होता है आपका, जो मेडिकल फैसिलिटी है, फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे आपको 250 रुपये मिलता है, मतलब 250 रुपये कटता है, और वो सीजीएस अगर आपका सिटी कवर होता है सीजीएस फैसिलिटी में, तो आपको 250 रुपये पे करने होते हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट अलाउ करती है मेडिकल फैसिलिटी। सीजीएस आपका 30 रुपये कटता है, ये 30 रुपये हो गया। उसके बाद टोटल डिडक्शन की हम बात करें तो 3,849 रुपये आपका टोटल डिडक्शन हो जाएगा। तो 54,000 में से ये आपका माइनस कर दिया, कितना हो गया आपका 5,168 रुपये। उसके बाद कुछ और अलाउंसेस हैं, ये अलाउंसेस हैं सेंट्रल SBF, सेंट्रल वेलफेयर फंड आपका कट जाएगा, स्टाफ वेलफेयर फंड कट जाएगा, सेंट्रल वेलफेयर फंड कट जाएगा आपका। तो सब कुछ मिला के मतलब आपको इन हैंड आपको 50,000 के आसपास आपको पे मिलने वाली है, अगर आपकी 3-4 साल नौकरी हो जाएगी। अब हम बात करें कि भाई जो न्यू अपॉइंटी हैं उनको कितना मिलेगा, तो न्यू अपॉइंटी की जो बेसिक पे होती है, क्योंकि इनकी बेसिक पे कितनी है, इनकी बेसिक पे थी 3,500। जी हाँ, 30,500 इनकी बेसिक पे थी, और आपकी कितनी होगी, आपकी होगी 25,500। उसी के हिसाब से जितनी भी कैलकुलेशन की है 30,500 पे की, आप अपनी 25,500 पे करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, आपका लमसम बनेगा क्योंकि अलाउंसेस भी लगाने होंगे, तो आपका 30 से 31 हजार रुपए मिल जाएगा ट्रेनिंग टाइम में, लेकिन खर्चा बहुत हो जाता है, तो 28,000 रुपये आप मान के चलिए, 28,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अगर नेक्स्ट बात करें कट ऑफ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ के थ्रू ही आप लगने वाले हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ में क्या होने वाला है, अगर मैं बात करूँ 2013 की कट ऑफ कितनी गई थी, ये गई थी 65 पे आपकी कट ऑफ गई थी 2013 की। उसके बाद 2015 की कट ऑफ कितनी गई थी, ये गई थी आपकी 52 थी या 53 थी, इन दो में से एक थी, एक नंबर का मेरे को ध्यान नहीं है, ये जर्नल की थी, ये जर्नल की थी। ओबीसी की कितनी गई थी, ये गई थी आपकी 48 पे, और एससी और एसटी की कितनी गई थी, एक दो नंबर का अंतर था लेकिन मेरे को ध्यान है 45 नंबर पे गई थी। ये आपकी मैं बता रहा हूं कब की, ये 2015 की ही थी। इतनी वैकेंसी थी, कितनी वैकेंसी थी पता है, 110 वैकेंसी थी 2015 में, और ये मेरिट क्या गई थी, 52 से 53 गई होगी, 48 और 45, ये वैकेंसी थी और ये मेरिट थी। अब आपके हिसाब से क्या है, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, पेपर बे इंतहा हार्ड आता है, आपको बे इंतहा हार्ड आया, और मैंने पेपर का अपने चैनल पर डाल दिया है, अगर नहीं है तो चैनल पर जाइए सर्च कीजिए और आपको पेपर मिल जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह का पेपर आता है, तो वो सब कुछ चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कितना हार्ड है, कितना मॉडरेट है या कितना ईजी है, वहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है। 2015 की ये थी, और जो मेरे हिसाब से ये सब कुछ देखते हुए आपको 2021 की जो मेरिट रहने वाली अकॉर्डिंग टू मी 65 नंबर से, मेरे को लगता नहीं 65 से 70 नंबर हाईएस्ट है, इससे ऊपर तो कभी नहीं जाएगी। देखिए कई स्टेज होते हैं इसमें, कई स्टेज क्या क्या होते हैं, आपका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटिन होगा, उसके बाद क्या होगा टाइपिंग होगी, उसके बाद मेडिकल होगा, मतलब कई स्टेज होते हैं, बच्चे छटते छटते लास्ट में पढ़ते हैं, मक्खी मतलब मलाई मलाई मच जाते हैं, मक्खी सक्की ये वो अड़कम सड़कम निकल जाते हैं, तो आपको मलाई बचेगी, और जो फाइनल तक पहुंचेंगे वो भाई बहुत अपने आप में धुरंधर मानना कि भाई उनका लक भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, वो जहां तक पहुंचे हैं। तो जो बता रहे हैं ना 85, 90, 100, आज के टाइम में कोई लाना मजाक बात है, टाइपिंग भी करवा रहे हो आप और इतना हार्ड पेपर भी दे रहे हो, दूसरी सब चीज़ें, बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा, जब उसकी फाइनल मेरिट आएगी तो मेरे को दिखा देना, अगर 65 से 70 नंबर से ऊपर निकल जाए ना आपकी तो बात है यार, मेरे को जो मेरा आइडिया लगता है 65 से 70 से ऊपर नहीं जाएगी, बहुत हार्ड पेपर आता है, पेपर मैंने बना दिया है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था आई थिंक, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उनके डाउट इतने थे और यूट्यूब पे इतनी भसड़ मचा रखी है कि इधर ये वो, उनको पता कुछ नहीं है और बना रहे हैं क्योंकि उनके भाई सब्सक्राइबर हैं तो उनकी देखते हैं वीडियो, लेकिन क्या बता रहे हैं कुछ नहीं पता, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एनालिसिस था, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने लिंक दिया हुआ है। तो ये सब कुछ था, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।